पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से त्रस्त है और इससे बचने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कोरोना विलेन चीन कोरोना वायरस को भस्म करने का प्रयोग कर रहा है। चीन ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कोरोना के सभी वायरस को खत्म करने के लिए अजीब तरीका अपना रहा है। वो फ्लेम थ्रोअर यानी आग की लपटें फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट में नजर आते हैं। इसमें से एक के हाथ में फ्लेम थ्रोअर मशीन नजर आ रही है। ये टीम एक बिल्डिंग के बाहर और अंदर मशीन से आग की लपटें फेंकती है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना के वायरस को जलाकर भी खत्म किया जा सकता है या उसको फ्लेम्स से खत्म किया जा सकता है। चीन में ही कोरोना का पहला मरीज मिला था और इस वक्त चीन के तियानजिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद आंशिक लॉकडाउन लगाया जा चुका है। चीन में संक्रमण बढ़ने के बाद उत्तरी शहर शियान में भी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया है, जिससे 101.3 करोड़ लोग अपने घरों में कैद हैं। दरअसल फरवरी में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स होने हैं, उससे पहले बढ़ते संक्रमण को लेकर शी जिनपिंग की सरकार टेंशन में है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।